जय श्री बालाजी जी, मैं आचार्य सुभाषी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष आचार्य। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के बृहस्पति आए हैं। बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ अच्छा होने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं। मैंने चंद्रमा यही वृश्चिक राशि में बिठाया है पहले की तरह, आपने पहले वीडियो देखी होंगी क्योंकि क्यों मैंने यहां पर चंद्रमा विराजमान किए हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति सेकंड हाउस के स्वामी होकर, फिफ्थ हाउस के स्वामी होकर सिक्स हाउस में विराजमान रहेंगे राहु के साथ। राहु और गुरु का चांडाल दोष छठे भाव में बन रहा है। ऐसे जातक को, जो वृश्चिक राशि वाले जातक हो, ऐसे जातक को सबसे पहले ये सलाह है मेरी, सबसे पहले उनको कम बोलना आरंभ कर देना चाहिए आज से ही। जितना आप कम बोलेंगे उतनी ही आप गलतियां भी कम करेंगे और अपना नुकसान भी कम करेंगे। वाणी से आपको नुकसान हो सकता है, वाणी से धन की हानि हो सकती है, कुटुंब से आप अलग हो सकते हैं वाणी के द्वारा। आपने कुछ अपशब्द बोल दिए, अपने बड़ों को कुछ अपशब्द बोल दिए तो वहां पर कुटुंब में मतभेद होकर के आप अलग जा सकते हैं। धन की भी हानि हो सकती है, जो कुछ मिलने जा रहा हो आपको, आप अपनी वाणी के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं। थोड़ा भोजन पर भी कंट्रोल करना होगा आपको, भोजन भी आपको नुकसान, अधिक भोजन भी आपको नुकसान, तली हुई चीज़ें और अन्य चीज़ें, मिष्ठान स्वादिष्ट तो लगते हैं आपको लेकिन वह भी आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो संभल जाइए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से आपको अपनी एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चलना होगा अगर आपको विद्या की प्राप्ति करनी है, अन्यथा विद्या में भी रुकावटें आएंगी, संतान की विद्या में भी रुकावटें आएंगी, आपकी खुद की विद्या में भी रुकावटें आ सकती हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो। संतान के सभी कार्यों में रुकावटें देखने को आपको मिलेंगी यहां पर, आपकी विद्या के अंदर और संतान के कैरियर को लेकर के भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। प्रेम विवाह, जो व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता हो वहां पर भी समस्याएं उसको आएंगी, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहले शायद परिवार वाले मान गए हों लेकिन अब मना कर सकते हैं वो। जो व्यक्ति शेयर मार्केट या सट्टे का व्यापार करता हो उसको भी हानि उठानी पड़ सकती है, बड़े ही संभल के चलना होगा। आप पर शत्रु हावी हो सकता है, रोग हावी हो सकता है, ऋण बढ़ सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाने हैं, हर चीज को सोच समझ करके आपको करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका पूरा साल ऐसा जाएगा लेकिन अक्टूबर के महीने तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे आपको हानि पहुंचे। अब है आपके उपाय की बारी कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। अगर ये समस्याएं आए तो आपको उपाय का सहारा अवश्य लेना चाहिए। उपाय क्या करेंगे, उपाय क्या करें आप, कि मंगलवार या शनिवार के दिन एक प्रण लें कि मुझे सुंदरकांड का पाठ करना है या हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना है। ये आपको उपाय के तौर पर करना चाहिए
साल भर तक, और हो सके तो अक्टूबर तक तो आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे समस्याएं बढ़े ना। दूसरा उपाय करना है आपको, अगर इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको किसी ब्राह्मण की कन्या, किसी ब्राह्मण की कन्या को सफेद कोई वस्त्र जो वो पहन सकें, जो इस्तेमाल कर सकें, वो सफेद वस्त्र उनको भेंट करना है। उसमें थोड़ा सा सफेद का टच होना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा कि पूरा सफेद होना चाहिए, लेकिन सफेद का थोड़ा सा टच होना चाहिए। वो वस्त्र आपको शुक्रवार के दिन एक बार ब्राह्मण की कन्या को भेंट करनी है। ये दो उपाय आप करते रहिए। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं आगे की राशि आपको टाइम टू टाइम देता रहूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।